हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर हुसैन और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्विफ्ट डिज़ायर। टैक्सी गाड़ी है और ये हमारे पास रेवाड़ी हरियाणा से आई है। आप देख सकते हैं गाड़ी में डेंट का काफ़ी ज़्यादा काम है। गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है पर छोटे मोटे बहुत ज़्यादा डेंट है। या आप इसका टेल डोर देख सकते हैं, डिग्गी काफ़ी डैमेज है। इसको एक बार रिपेयर किया गया है। लेफ़्ट साइड में भी आप देख सकते हैं डेंटिंग का काफ़ी ज़्यादा काम है। बम्पर में चाइनीज स्क्रू लगाए गए हैं। गाड़ी को हमें रूफ़ पेंट नहीं करना है, रूफ़ छोड़ के इस गाड़ी को पेंट किया जाएगा। रियर ग्लास इसका निकालेंगे, फ्रंट बम्पर और रियर बम्पर रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हम गाड़ी की फ़िटिंग निकालेंगे और इसमें डेंटिंग का काम शुरू करेंगे। ये आप देखिए, गाड़ी को पहले भी पेंट किया गया है। आप देख सकते हैं नीचे इसमें बॉडी फिलर निकल रहा है। तो इसकी हम डेंटिंग करेंगे और इसको प्रॉपर शेप में लेकर आएंगे। ये पीछे से हमने बम्पर इसका खोला है तो आप देखेंगे एक्सीडेंट है। और डिग्गी इसको पहले रिपेयर किया गया है पर रिपेयर सही नहीं किया है। देखिए आप, ये पैनल फटे हुए हैं, यानी कि बाहर इनर पैनल और आउटर पैनल अलग हो चुके हैं। और अब हम सबसे पहले आउटर पैनल को रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद इनर पैनल भी रिपेयर करके वेल्डिंग कर देंगे। क्या आप लेफ़्ट साइड देखिए, लेफ़्ट साइड का भी डेंट का काम पूरा हो चुका है। और अभी इसमें हम जो है फेदरेजिंग कर रहे हैं। 80 ग्रिट का पेपर लगाया है हमने ऑर्बिटल सेंटर में। इसकी अच्छे से घिसाई करेंगे और अब आप देखेंगे इसमें पॉलिस्टर पुट्टी का काम शुरू हो चुका है। घिसाई के बाद हम डायरेक्ट पॉलिस्टर पुट्टी लगाते हैं। हम कभी भी वाइट वाला बॉडी फिलर यूज़ नहीं करते हैं अगर फर्स्ट क्वालिटी का काम है। गाड़ी में हमने दोनों फेंडर भी रिप्लेस कर दिए हैं, क्योंकि जब हमने इसकी फ़िटिंग खोली तो फेंडर सड़े हुए थे, इसलिए हमने इसका लेफ़्ट और राइट का फेंडर रिप्लेस किया है। बोनेट भी हमने इसका रिप्लेस किया है। बोनेट हमें यूज्ड मिल गया था, बहुत अच्छी क्वालिटी का। आगे आप देखेंगे अभी पॉलिस्टर पुट्टी की घिसाई का काम चल रहा है। परफेक्ट तरीके से पुट्टी की घिसाई कर लेंगे, उसके बाद हम इन डोर को बाहर निकाल देंगे। डोर लगाकर पेंट नहीं करने वाले हैं, डोर सभी निकाल कर हम पेंट करेंगे। ये भी हमने डोर को निकाल दिया है, फेंडर नहीं निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं डोर, डिग्गी, बम्पर सबको गाड़ी से अलग कर लिया गया है। और पॉलिस्टर पुट्टी होने के बाद अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वह सरफेसर का है। यह 2K बेस्ड प्राइमर है, इसके हम दो कोट लगाएंगे। आप हमारी सभी वीडियो में देखेंगे पॉलिस्टर पुट्टी के बाद हम NCA पुट्टी यूज़ नहीं करते हैं। पॉलिस्टर पुट्टी की घिसाई करेंगे और उसके बाद दो कोट सरफेसर के लगाएंगे। कभी ज़रूरत के हिसाब से तीन भी लगाने हो जाते हैं। सभी दरवाजे और डिग्गी इसको हमने फिनिश कर लिया है सरफेसर के काम से और अभी बॉडी को हम सरफेसर लगाएंगे। गाड़ी का सिर्फ रूफ़ पेंट नहीं होना है, बाकी आप देख सकते हैं गाड़ी को पूरा कंप्लीट खोला गया है। डोर, बम्पर, बोनेट सबको अलग कर दिया गया है। फेंडर हम अलग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम फेंडर बाद में लगाते हैं तो नट बोल्ट देखने से पता लगता है कि फेंडर बाद में लगाया गया है। तो नट बोल्ट वगैरह भी परफेक्ट तरीके से पेंट हो जाएंगे, क्योंकि यही प्लांट का प्रोसेस है। और अभी पूरी बॉडी को हमने सरफेसर कर लिया है। अभी मास्किंग अच्छे से कर रहे हैं। मास्किंग इसलिए करेंगे अंदर पेंट उड़कर ना जाए, जिससे डैशबोर्ड ख़राब ना हो। और अभी हम इसमें बेस कोट लगा रहे हैं। यह पर्ल वाइट कलर है तो इसमें दो कोट हमारे बेस के लगेंगे। यह आप देख सकते हैं हर एक एरिया अच्छे से बेस कोट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो आउटर पैनल हैं और या इसकी किनारियां हैं, अंदर के जो है पैनल हैं, जैसे कि आप ये लाइट के नीचे, इन सब एरिए पे हम अच्छे से पेंट करेंगे। कभी गाड़ी की लाइट या बम्पर खोले तो बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा गाड़ी को पेंट किया गया है। डोर आप देखेंगे हमने इनको बॉडी से अलग करके स्टैंड पर लगाया हुआ है। स्टैंड से लगाने का बेनिफिट ये है कि ये डोर अच्छे से इनर आउटर पेंट हो जाएगा,
कोई भी लाइन या कोई भी बीडिंग की साइड, कोई भी चैनल ऐसी नहीं रह पाएगी जहाँ पर पेंट ना लगे। बेस कोट और पर्ल का काम हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने 3 कोट पर्ल के लगाए हैं और अभी पर्ल कोट के बाद इसमें क्लियर कोट किया जाएगा। अभी फ्रेंड्स आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्लियर कोट का है। पर्ल वाइट कलर है गाड़ी का, तो सबसे पहले इसमें हमें 2 कोट बेस के लगाने होते हैं, फिर 3 कोट इसमें पर्ल वाइट के लगते हैं। पर्ल वाइट के 3 कोट लगने के बाद गाड़ी को क्लियर कोट का काम किया जाता है। 2 कोट इसमें हमारे क्लियर के लगाने होते हैं। ये आप देख सकते हैं अच्छे से हम इसमें क्लियर कोट लगा रहे हैं, हाई प्रेशर पे क्लियर कोट लगाया जा रहा है। और ये आप फिनिशिंग देखिए, अभी इन डोर को भी हम क्लियर कोट लगाएंगे। क्लियर के बाद गाड़ी का पेंट का काम पूरा हो जाता है और फिर उसके बाद गाड़ी की फिटिंग की जाएगी। और ये आप देख सकते हैं गाड़ी का फिटिंग का काम भी हमारा शुरू हो चुका है। गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा फिटिंग हमने इसमें कर दी है और अभी हम इसका बैक ग्लास लगा रहे हैं। गाड़ी का रूफ पेंट नहीं किया गया है, पर फिर भी इसका पीछे का ग्लास निकाल के हमने पेंट किया है, क्योंकि ये ग्लास इसका चेंज किया गया था। तो ग्लास चेंज करने के टाइम काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच थे, जिसकी वजह से ग्लास की साइडों में रस्टिंग थी, इसलिए ग्लास को निकाल के पूरा कंप्लीट पेंट करके और एक परफेक्ट तरीके से सीलेंट लगा के फिर इसको फिट किया गया है। और अभी आप देखेंगे मोनोग्राम इसमें लगा रहे हैं, ये सभी स्विफ्ट डिज़ायर, LDI, S, ये सब हमने न्यू ख़रीदा है, कोई भी पुराना आइटम नहीं है। और अभी हम इसकी साइड प्लेट लगा रहे हैं, यह इसकी चेसिस प्लेट है, इस पर इंजन नंबर चेसिस नंबर होता है। गाड़ी पूरी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है हमारी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये गाड़ी का हम स्विच ऑन करेंगे और आप देखिए गाड़ी 471,516 किलोमीटर चली हुई है। और अब आप देख सकते हैं गाड़ी का लुक, ये देखिए गाड़ी को रूफ छोड़ के पेंट किया गया है। गाड़ी 17 मॉडल है, मुझे तो देखकर ही यकीन नहीं हुआ था कि 17 मॉडल गाड़ी 471,000 चल चुकी है, पर गाड़ी टैक्सी गाड़ी है तो काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है। और अब गाड़ी की कंडीशन देख के कोई नहीं कह पाएगा ये गाड़ी इतनी चल चुकी होगी। देखिए दोस्तों, हमने फॉग लैम्प कवर क्रोम वाले लगाए हैं। फ्रंट ग्रिल महंगी होने के कारण कस्टमर ने मना कर दिया था, पर हमने इसको सिल्वर कलर किया है, कस्टमर को काफ़ी पसंद आई है। हेडलाइट रिप्लेस नहीं किया है, इनको रबिंग एंड पॉलिश किया गया है। दोनों लाइट ओल्ड हैं, रिप्लेस नहीं हैं। साइड व्यू मिरर को भी हमने पेंट किया है और लेफ़्ट साइड की प्रोफाइल आप देखिए कितने ज़्यादा डेंट थे इसमें। और अभी आप देखेंगे एकदम न्यू गाड़ी है। टेल लाइट भी इसकी पुरानी है, इनको भी रिप्लेस नहीं किया है, टेल लाइट को भी पॉलिश किया गया है। गाड़ी के जो बैजेस हैं इन सबको हमने नया लगाया है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर गाड़ी की नंबर प्लेट हटा दें तो गाड़ी एकदम न्यू ब्रांड लगेगी, कोई देखने में नहीं कह सकता है कि गाड़ी को डेंट पेंट किया गया है या गाड़ी 17 मॉडल है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके कॉस्ट की, तो गाड़ी में हमने फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर, दोनों फेंडर लाइनिंग और दोनों फेंडर, सभी बैजेस और बम्पर के लॉक और मड फ्लैप, इन सबको हमने नया लगाया है। बॉनेट हमने इसमें यूजिड लिया है, बाकी गाड़ी में 2 बॉडी सीलेंट लगी है। तो टोटल खर्च में डेंटिंग, पेंटिंग और पार्ट्स का 57,000 आया है। 57,000 रुपये हमने इस गाड़ी को तैयार किया है। दोस्तों आपको हमारा वर्क कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।